फ्रेंड्स, मयूरिका किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी पनीर कैसे बनाया जाता है, सॉफ्ट पनीर कैसे बनाया जाता है। जो बाजार वाले जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी। तो ये मैंने यहाँ पे 1 लीटर गाय का दूध लिया है और गैस ऑन कर दिया है। भैंस के दूध से भी आप आराम से बना सकते हैं, भैंस के दूध में भी यही प्रोसेस सेम लगेगा। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू हमको हिलाते रहना है, बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे और उबाल आने देंगे। अब हमारा यहाँ पे उबाल आ चुका है और मैंने गैस यहाँ पे बंद कर ली है। अब हम इसको तुरंत नहीं फाड़ेंगे, यहाँ पे 5-7 मिनट हमको यहाँ पे ठंडा होने देना है, उसके बाद हम फाड़ेंगे। फाड़ने के लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू लिया था, उसका रस निकाल दिया है और जितना नींबू का रस निकला उतना ही मैंने यहाँ पे उसमें पानी मिलाया है। तो आप नींबू के रस से या दही से, विनेगर से, साइट्रिक एसिड से, किसी से भी फाड़ सकते हैं। अब हम ये 5-7 मिनट यहाँ पे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको फाड़ेंगे। अब हमारे यहाँ पे 5-7 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस मिलाते जाएंगे और इसको फाड़ते जाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है। देख सकते हैं अभी हमारा फटना शुरू हो चुका है। कोई अच्छे से फट चुका है। अब हम यहाँ पे इसमें चिल्ड वाटर मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है और इसमें मिला दिया है ताकि यहाँ पे ये कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब हम इसको छान लेंगे। आप यहाँ पे अगर फ्रिज का पानी मिलाना नहीं चाहते हो तो आप यहाँ पे मटके का एकदम ठंडा पानी भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने नीचे एक बाउल रखा है, बाउल के ऊपर एक छन्नी रखी है और यहाँ पे मैंने गीला करके कॉटन का कपड़ा लिया है। आप चाहो तो मलमल का कपड़ा या कोई दुपट्टा ले सकते हो। अब हम इसमें यहाँ पे धीरे धीरे ये सारा डाल देंगे। हमने सारा पनीर डाल दिया है, अब हम इसको एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इस ठंडे पानी से इसको धो देंगे अच्छे से। ये बहुत गर्म रहेगा तो थोड़ा ध्यान रख के आप करें। हमको अच्छे से धोना है ताकि इसमें हमने जो भी खट्टा डाला था वो सारा निकल जाए। यहाँ पर हमने अच्छे से धो लिया है, कपड़े को इससे उठा लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है हम यहाँ पे निकाल देंगे। इस तरह से दबा के हम सारा एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है और ये छलनी अभी हटा के हम एक इसे होल वाली छलनी लेंगे। आप चाहे तो इस छलनी में भी ऐसे वेट या ऐसे रख के इसमें वेट रख सकते हो। ये छलनी लेंगे, छलनी पे पनीर रखेंगे, उसको ऐसे फैला लेंगे। अगर आपके पास पनीर की क्वांटिटी ज़्यादा हो और उस टाइप से ऐसे रिंग हो या कोई ऐसा गोल शेप हो जिसमें आप ये पनीर रख पाए तो इसको पूरा अच्छे से फैला दें ताकि ये गोल शेप मिले। अभी मेरे पास पनीर की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो ये पूरा अच्छे से फैलेगा नहीं, तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट ही रख के दिखाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से अच्छे से फैला लेंगे और एक प्लेट लेंगे। प्लेट पे हम वेट रख देंगे। हमने यहाँ पे 1 किलो के आसपास वेट लिया है। आप कोई भी डिब्बा, आपके घर में कोई भी दालों का डिब्बा या कुछ भी 1 किलो वेट यहाँ पे रख सकते हैं। अब बस अब इसको 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमारे 2 घंटे हो चुके हैं, हम पनीर अब चेक करेंगे। मैंने नीचे का बाउल हटा दिया है और ये सब वेट वगैरह हम सब हटा के चेक करेंगे। देख सकते हैं हमारा पनीर रेडी हो गया है।
मैं अब इसको पीसेस करके दिखाऊंगी। देखिए कितना सॉफ्ट, इसको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो कितना सॉफ्ट बना है पनीर हमारा। इस तरह से आप आराम से घर पे पनीर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन भी प्रेस करना भी। थैंक यू।